ये जो हमारे पीछे बस देख रहे हो आप, जिंग बस, तो इसमें ट्रेवल कर रहे हैं आज। 6:30 बजे जामा मस्जिद के बाहर खड़ी थी बस, तो आज सुबह सुबह नींद काफी ज्यादा हराम हो चुकी है। लुई वगैरह पूरी मतलब तैयारी में आए हैं आज। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ईशान रशीद, वेलकम बैक टू द चैनल ज़रा ब्लॉग्स। सो आज सुबह सुबह निकल पड़े हम आगरा के लिए, और हमारे आतिफ भाई, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है आतिफ भाई को। आतिफ भाई क्या हो गया? थोड़ा 10-15 मिनट यहाँ पे बस रुकेगी, तो यहाँ पे चाय वगैरह पी लेते हैं हम। तैयारी हो रही है चाय। आगरा, और यहाँ पीछे भाई लोग ऑनलाइन टिकट वगैरह कटा रहे हैं। सो बाकी ये हमारे पीछे यहाँ से एंट्री है, सो जल्दी फटाफट टिकट बुक करके अंदर जाते हैं, दिखाते हैं आपको अंदर ताजमहल। और ये पीछे है स्कैनर, अगर आपको ये लाइन में नहीं लगना है तो आप ऑनलाइन भी इसको स्कैन करके पेटीएम वगैरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। 45 रुपीज़ यहाँ पर एंट्री टिकट है, और अभी हम जा रहे हैं अंदर ताजमहल, पहली बार आना है यहाँ। सो आगरा अभी भी पहुँचे, और अभी बज रहे हैं 12:30, तकरीबन 12 बजे हम यहाँ पे पहुँचे थे आगरा, और फिर उसके बाद यहाँ से हमने ऑटो ले लिया था यहाँ तक वेस्टर्न गेट तक, जो ताजमहल का है। सो लेट्स गो इनसाइड, स्टे ट्यून्ड। रीच्ड, और भाई साहब मतलब क्या वाइब है इस जगह की। ओह मैन, आई कांट बिलीव माय आईज। बाकी सबसे खूबसूरत चीज जो है कि बस ये जो मतलब मेन जो ताजमहल है, खाली वो यहाँ पे खूबसूरती सिर्फ उस चीज की नहीं है, इस चीज को सराउंड करते हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स। और सामने का जो ये एरिया है आप देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल। वाओ, दिस इज द राइट साइड ऑफ ताजमहल, और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये साइड का हिस्सा है, बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो है। जैसा इसका फ्रंट वाला पोर्शन है, वही राइट वाला भी पोर्शन है। अभी तो मैंने ये दूसरा पोर्शन देखा है, तो देखते हैं जो बाकी के पोर्शन है वो कैसे हैं, दिखाते हैं आपको भी। बिल्कुल सेम डिट्टो लग रहा है कि बे फ्रंट वाला साइड है, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत। बताया कि ये वाला साइड भी बिल्कुल वैसा ही जैसे फ्रंट साइड है, आप दिखा सकते हैं, फोकस कैमरा फोकस, बहुत ही बढ़िया शानदार। और बिल्कुल जो मेन जो फ्रंट वाला साइड है, बिल्कुल उसी के जैसा है, कोई फ़र्क नहीं लग रहा है। और अभी हम जाएंगे दूसरे साइड में, देखेंगे वहाँ पे भी वो कैसा है उस साइड को, क्योंकि अब हमने नहीं देखा है। फिर से एक बार देख लीजिए आप, सो लेट्स गो टू द अदर साइड। ये बिल्कुल राइट साइड के सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे ये एक मॉस्क है, यहाँ से इसके एंट्रेंस है आगे, और ये भी काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर है। दिस इज द बैक साइड ऑफ ताजमहल, और जैसा कि आप सबको पता ही है कि यमुना नदी के किनारे यहाँ पे बिल्ट हुआ था, और ये है यमुना नदी। ताजमहल के पीछे वाला एरिया ये देख सकते हो आप, बिल्कुल ये वाला एरिया भी वही है सेम जैसा कि आपने फ्रंट और राइट वाला देखा था, वेस्ट साइड में आपको दिखाया था, तो ये ईस्ट साइड का है। और बिल्कुल ये जो है ये रेप्लिका है, वो जो दूसरी मस्क है वेस्ट साइड में, तो ये ईस्ट वाला उसका रेप्लिका है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, बिल्कुल 1% भी कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, बहुत ही खूबसूरत। दिस इज द वेस्ट साइड ऑफ ताजमहल एंड इट्स ऑल द सेम, आप देख सकते हो, मतलब हर एक साइड बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये सामने वाला साइड है, कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी साइड में, ब्यूटीफुल। हम आ चुके हैं बाहर, ताजमहल से निकल चुके हैं बाहर, और अभी मार्केट आए हैं कुछ खाना वगैरह खाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है अब तो। ये कुछ मार्केट है बाहर, ताजमहल के बाहर जो लोकल मार्केट है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है।
क्या कर रहे हैं कि क्या खाने को लाया जाए। कुछ सिलेक्ट होगा आज ही, भूख से मर गए भाई साहब। नहीं नहीं भाई, हो गया ये, हो गया चिकन बिरयानी होगी।